यस यस, मैं लेट हूं बहुत। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 10,000 से 20,000 के रेंज में आने वाले बहुत सारे स्मार्टफोन्स एज ऑफ नवंबर 2023। देखिए, जितने हो सकेंगे मैं बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपकी ब्रांड प्रेफरेंस कुछ और हो या फिर एक्चुअल यूजर्स प्रेफरेंस कुछ और हो, तो आप उस हिसाब से अपना फोन चूज कीजिएगा। और मैं जितने भी फोन है उनकी एक्चुअल प्राइस बताने वाला हूँ विदाउट कार्ड ऑफर्स, जो कि ऑब्वियसली सबके पास नहीं होते। हाँ, लेकिन मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अगर कूपन के थ्रू कुछ ऑफ हो रहा है तो वो मैं आपको बता दूंगा। प्लीज नोट, आज आपको हो सकता है वीडियो में एडिटिंग का तड़का थोड़ा कम लगे, बिकॉज जल्दी से जल्दी आपको ये वीडियो भी पहुंचानी थी। एज अमेजन पे सेल सिर्फ 10th नवंबर तक रहेगी और फ्लिपकार्ट पे 11th नवंबर तक। हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड यू आर वॉचिंग द टेक वॉक ऑलरेडी। देर से ही सही, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, आपको अगर कोई फोन की प्राइस की हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो प्राइस हिस्ट्री और प्राइस बिफोर दो ये वेबसाइट्स हैं। और जहां तक मुझे पता है प्राइस हिस्ट्री की आपको प्ले स्टोर पर ऐप भी मिल जाएगी। आपको सिंपली जो भी फोन परचेज करना है आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जो उसका लिंक है वो उसमें पेस्ट कर देना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस में इस फोन की प्राइसेस क्या रही है और अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो सही है या नहीं है। सो उस चीज का ध्यान रखें। अब बात 10,000 से स्टार्ट हो रही है, तो 10,000 के अंदर आने वाले फोन्स में मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 10,000 रुपये है तो ये आपके लिए इनसेन वैल्यू फॉर मनी फोन होने वाले हैं। अब सबसे पहले फोन की बात करें तो ये है आईटेल का P55 5G। तो आपको इसमें 90 हर्ट्ज की HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाती है, एंड्रॉइड 13 और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा है। 6GB की रैम और 128GB का स्टोरेज, 50MP कैमरा और 8MP की सेल्फी और 5000mAh बैटरी विद 18W का फास्ट चार्जर। और हाँ, आपको इसमें 2 साल की वारंटी भी मिलती है, तो ये बहुत ही सॉलिड डील है। ये 5G फोन है, आपको इसमें 10 5G बैंड्स मिल जाते हैं और 5G कैरियर एग्रीगेशन भी सपोर्ट करता है। तो इस फोन की प्राइस अभी 10,000 रुपए है। और अगर आपके पास कार्ड अवेलेबल होता है तो आप इस फोन को 9,000 में भी पा सकते हैं। और इसी रेंज में एक और 5G फोन है, लेकिन स्टोरेज और रैम आपको सबसे ज्यादा इसी में मिल रही है। अब नेक्स्ट फोन की बात करें तो ये है लावा का ब्लेज 5G। आई नो थोड़ा सा पुराना फोन है, लेकिन 10,000 में आपको बहुत ही इंसेन वैल्यू प्रोवाइड करता है। डायमेंसिटी 7020, 90 हर्ट्ज की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, एंड्रॉइड 12, 50MP बैक कैमरा और 8MP की सेल्फी, और आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे चार्जर 10W का मिलता है। देखा, मैंने कहा था ना आईटेल P55 सबसे वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है। अब इस फोन की बात करें तो इसका 6128 वेरिएंट आपको 10,000 में मिल जाएगा विदाउट कार्ड ऑफर्स। और अगर आपके पास कार्ड होते हैं तो आप इसको 9,000 में ले सकते हैं। अब अगले फोन की बात करें तो ये है लावा का ब्लेज 2 5G। बिल्कुल न्यूली लॉन्च फोन है और पीछे एक सर्कुलर रिंग लाइट भी मिलती है, कुछ कूल दिखने के लिए, और लुक्स ओवरऑल काफी अच्छे हैं। बात करें इस फोन में तो आपको 90 हर्ट्ज की IPS डिस्प्ले मिल जाती है HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, एंड्रॉइड 13, डायमेंसिटी 6020 और 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिल जाता है, 50MP रेयर कैमरा और 8MP की सेल्फी, 5000mAh बैटरी और 18W का फास्ट चार्ज भी मिल जाता है। वही अमेजोन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 11,000 में ये फोन मिलता है 6128 वेरिएंट। अब नेक्स्ट फोन की बात करें, अगर आप इन्फिनिक्स के फोन प्रेफर करते हैं तो ये है इन्फिनिक्स का हॉट 35G। अब इस फोन की स्पेक्स की बात करें तो आपको फुल HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिल जाती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ में, एंड्रॉइड 13, डायमेंसिटी 6020। आप नोट करेंगे तो इस बजट में आने वाले जितने भी फोन उनमें मोस्टली डायमेंसिटी 6020 या 6080 इन्हीं के आसपास कुछ कहीं वो हावर करता हुआ मिलेगा। बैक टू द टॉपिक, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको इस फोन में अप टू 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज मिल जाता है, 50MP का रेयर कैमरा और 8MP की सेल्फी मिल जाती है, 5000mAh बैटरी और 18W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, तो आप इस फोन के लिए भी जा सकते हैं। अब इस फोन की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे आपको इसका 4128 वेरिएंट 11,500 मिलता है, और अगर आपके पास कार्ड वगैरह हुआ तो आप इसको और भी नीचे ला सकते हैं। चलिए अब अगली फोन की बात करें तो ये है Realme का Narzo 60X 5G। अब इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको फुल HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, एंड्रॉइड 13, डायमेंसिटी 6100 प्लस, जो कि काफी अच्छा चिपसेट है, और अप टू 6GB की रैम मिलती है और 128GB स्टोरेज मिल जाता है, 50MP रेयर कैमरा और 8MP की सेल्फी, और इसमें आपको 5000mAh बैटरी मिलती है और 33W का चार्जर मिलता है, जो कि काफी अच्छी डील है। अब इस फोन की बात करें तो इसका 4128 वेरिएंट आपको 11,749 में अमेजोन में मिलता है, और अभी 750 रुपए का इस पे कूपन मिल जाएगा, तो आपको ये फोन 11,000 में मिल सकता है, जो कि काफी अच्छी डील है। और अगर आप रियलमी की तरफ नहीं जाना चाहते तो अगली चॉइस है रेडमी 12 5G। अब इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको फुल HD प्लस की 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ IPS डिस्प्ले मिलती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, एंड्रॉइड 13 और स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 के साथ में मिलता है, और आपको अप टू 6GB रैम और 128GB तक का स्टोरेज मिल जाता है, 50MP का रेयर कैमरा और 8MP की सेल्फी, 5000mAh की बैटरी और 18W का फास्ट चार्जर मिलता है। और इस फोन की बात करें तो इसका 4128 वेरिएंट 12,000 से स्टार्ट होता है,
और वहीं 6128 वेरिएंट आपको 13,500 मिल रहा है। अब अगर आप सैमसंग का फ़ोन परचेज करना चाहते हैं और आपके लिए अपडेट्स भी मैटर करते हैं तो ये है सैमसंग का M14 5G। अब इस फ़ोन की स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिल जाती है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड्रॉइड 13 और आपको दो एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे तो एंड्रॉइड 15 तक और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेज मिलेंगे। एक्जिनोस 1330 जो कि काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है और आपको 6GB रैम और 128GB तक का स्टोरेज मिल जाता है। 50MP का रेयर कैमरा और 13MP की सेल्फी मिल जाती है और 6000mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है और 25W का चार्जिंग सपोर्ट। और हाँ, बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है, सो दैट्स अ बमर। अब इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो ये बहुत ही सॉलिड डील हो सकती है। 12,039 में आपको इसका 4128 वेरिएंट मिल रहा है और आप अगर 1500 रुपये का कूपन अप्लाई कर देते हैं तो आपको ये 10,500 में मिल जाएगा जो कि काफ़ी सॉलिड डील मिल जाती है। और अगर आप इसका 6128 वेरिएंट परचेज करना चाहें तो इसी कूपन डिस्काउंट के साथ में आपको वो 11,500 रुपये मिल जाएगा, बट स्टिल आपको चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। अब अगले फोन की बात करें तो ये है Realme का 11X 5G। अब इस फोन की स्पेक्स की बात करें आपको इसमें फुल HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिल जाती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, Android 13 और Dimensity 6100 प्लस जो कि काफी अच्छा चिपसेट है कंसीडरिंग द प्राइस जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस स्पेक्स की बात करें तो आपको इसमें अप टू 8GB की रैम और 120GB का स्टोरेज मिल जाता है, 64MP का रियर कैमरा और 8MP की सेल्फी, 5000mAh की बैटरी और 33W का चार्जर मिलता है। अब इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो इसका 6120 वेरिएंट आपको फ्लिपकार्ट पे 13,500 का मिल रहा है और अगर आपके पास कार्ड ऑफर्स वगैरह होते हैं तो आप इसको और भी नीचे ला सकते हैं। अब नेक्स्ट फोन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है मोटो का G54 5G। अब पर्सनली मैं इस फोन की बात करूँ तो मैं इसको यूज कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इस फोन को लेकर काफी अच्छा रहा। अब इस फोन की स्पेक्स की बात करते हैं तो आपको इसमें IPS LCD मिल जाती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ में, Android 13 Dimensity 7020 जो कि Dimensity 6080 और 6020 से थोड़ा पावरफुल है, तो आपको इस प्राइस सेगमेंट में ये फोन काफी अच्छा मिलता है। इस फोन में आपको अप टू 12GB की रैम और 256GB का स्टोरेज मिल जाता है, रियर में 50MP कैमरा और 8MP अल्ट्रा वाइड और वहीं 16MP की सेल्फी मिल जाती है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है और 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। अब इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो आपको 14,000 में इसका 8128 वेरिएंट मिलता है और 12256 वेरिएंट आपको मिलता है 16,000 में। और अगर आपको स्टोरेज की ज्यादा नीड है तो आप इस वेरिएंट के लिए जा सकते हैं और इस वेरिएंट पे आपको बहुत सारे कार्ड ऑफर्स भी मिल जाते हैं तो आप अप टू 10% सेव कर सकते हैं। अब एक और फोन की बात करें तो ये भी सैमसंग का है M34 5G। अब इस फोन की स्पेक्स की बात करें तो आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड्रॉइड 13 और आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो आपको एंड्रॉइड 17 तक मिलेगा। आपको डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल मिलता है। अब रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो आपको इस फोन में अप टू 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज मिल जाता है, 50MP रियर कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड और 13MP की सेल्फी मिल जाती है। Exynos 1280 मिलता है जो कि काफी डिसेंट प्रोसेसर है, 6000mAh की बैटरी और 25W का चार्जिंग सपोर्ट। और हाँ, यहाँ पे भी आपको चार्जर नहीं मिलता तो आपको उसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो ये अभी अमेजोन पे 16,548 रुपये का मिल रहा है, लेकिन 1500 रुपये का आपको मैसिव डिस्काउंट मिल जाता है जिसके बाद आपको ये फोन पड़ेगा 15,048 रुपये का। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा कैमरा मैटर करते हैं और अपडेट्स भी तो ये आपके लिए बेटर गो टू फोन हो सकता है। अब नेक्स्ट फोन की बात करें तो आपको मिलता है मोटो का G84 5G। अब इस फोन की स्पेक्स की बात करें तो आपको इसमें फुल HD प्लस की PoLED डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, Android 13 Snapdragon 695 और 12GB की रैम और 256GB का स्टोरेज मिल जाता है, 50MP का रियर कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड और 16MP की सेल्फी मिल जाती है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। आपको इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और 30W का फास्ट चार्जर। अब इस फोन की प्राइसिंग की बात करते हैं, आपको फ्लिपकार्ट में 19,000 में मिलता है और अगर आप कार्ड ऑफर्स का फायदा उठा सके तो आपको और भी अच्छी प्राइसिंग पे मिल सकता है। अब नेक्स्ट फोन की बात करें तो ये है लावा का अग्नि 2 5G और सीरियसली ये फोन आपको काफी अच्छी स्पेक्स प्रोवाइड करता है। अब बात करें तो आपको इसमें फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ में, HDR 10 प्लस और 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस, Android 13 और Dimensity 7050 जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है, 8GB की रैम और 256GB का स्टोरेज मिलता है, 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 16MP की सेल्फी मिल जाती है। अब बात करें तो इस फोन में आपको 4700mAh की बैटरी मिलती है और साथ ही 66W का चार्जर जो कि काफी सॉलिड डील है। अब इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो एज ऑफ नाउ आपको अमेजन पे 19,000 का मिल रहा है और आपको 300 रुपये का कूपन भी मिल रहा है तो आप देख लीजिए, और साथ ही अगर आपके पास कार्ड डिस्काउंट हो तो आपको 1500 रुपये तक ऑफ मिल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं तो कुछ और भी फोन्स हैं लेकिन वो कार्ड डिस्काउंट के बाद में 20,000 के नीचे आते हैं,
तो ऐसे मैं उनको इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। तो ये सारे फोन्स थे जो मुझे लगा आपको बताने चाहिए, और वीडियो थोड़ी सी हार्ड एंड फास्ट मूवमेंट में बनी है, सो एपोलॉजीज फॉर दैट। और स्टिल अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंस्टेंटली जवाब देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपको बहुत सारे फोन्स इसमें ऑड भी लगे, लेकिन हर यूजर की अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को ब्रांड चाहिए होता है और किसी को स्पेक्स। और अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।